हेलो स्टूडेंट्स, हमने बेसिक्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द सेकेंड चैप्टर, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग प्लांट्स है। हमने मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़े थे, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल बोथ पढ़ लिए थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? सो लेट अस स्टार्ट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ऑल द फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो भी एंजियोस्पर्म्स है, बेसिकली जो भी प्लांट्स जिनपे फ्लावर्स ग्रो करते हैं उनको हम एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। एंड हर एंजियोस्पर्म है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। एंड कौन होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट कहाँ पे होती है? दैट इज इन द फ्लावर्स। नाउ लेट अस रीड अबाउट द फ्लावर। देखो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा हुआ है कि जो मेल एंड गैमीट का मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट का फ्यूज होना है उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने से पहले कुछ इवेंट्स होती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इसमें हम प्री फर्टिलाइजेशन के स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स के बारे में इवेंट्स को पढ़ने वाले हैं। द फर्स्ट पॉइंट उसमें है कि सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस रिजल्ट इन डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्राइमोडियम। बेसिकली एक प्लांट है, जब वो ग्रो करने जा रहा है तो उसमें बहुत सारे हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, ठीक है? जो सिंपल सिंपल कोई भी स्टेम है दैट इज गोइंग टू चेंज इन द फ्लोरल प्राइमोडियम। सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस। स्ट्रक्चर में भी चेंज होता है, हार्मोन में तो चेंज होता ही होता है। फ्लोरीजन हार्मोन सेक्रीट होता है, फ्लोरीजन जीन जब एक्टिवेट होता है वो हार्मोन सेक्रीट करता है एंड हार्मोन से फ्लावर्स की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं हम फ्लोरल प्राइमोडियम इज बीइंग फॉर्म्ड। फ्लोरल प्राइमोडियम फर्दर फ्लावर्स को बनाता है एंड इन फ्लोरेसेंसेस बियर द फ्लोरल बड्स एंड देन द फ्लावर्स। इन फ्लोरेसेंस क्या होता है? इन फ्लोरेसेंसेस बियर द फ्लोरल बड्स। इन फ्लोरेसेंसेस में बहुत सारे क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स ग्रो करते हैं, उसपे पहले फ्लोरल बड्स आते हैं, बड्स जिसमें से फ्लावर्स निकलते हैं। नाउ अ टिपिकल फ्लावर हैज टू पार्ट्स, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम इज द मेल पार्ट, दैट इज द एंथर, एंड गाइनोशियम इज द फीमेल पार्ट, दैट इज द कार्पल और द पिस्टल। फ्लावर के दो पार्ट होते हैं, एंड्रोशियम एज वेल एज गाइनोशियम। गाइनोशियम में स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, दिस इज द ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसको हम मेगास्पोरेंजिया भी बोलते हैं। एंड्रोशियम के अंदर पॉलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं एंड एंड्रोशियम जो स्टेमन है, बेसिकली स्टेमन का एंथर ऊपर वाला पार्ट इज नोन एज द एंथर एंड द नीचे वाला पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं फिलामेंट। एंथर चाहे बायलोब्ड है चाहे टेट्रालोब्ड है, उसके एक लोब को बोलते हैं माइक्रो स्पोरेंजिया। सॉरी, उसके एक लोब को बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम एंड जो पॉलन ग्रेन होता है उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। द पॉलन ग्रेन इज बेसिकली द माइक्रोस्पोरेंजियम। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर, बेसिकली द एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर
is it consists of the whorl of the stamens. Stamens क्या होते हैं? Arranged होती हैं. पांच है, चार है, जितने भी है उसको क्या बोलते हैं? Whorl बोलते हैं. Whorl. Their number and length are variable in different species. The number and length of stamen is a variable. It varies from it basically varies from different plant to different plant. ठीक है? Yes. ये है एंड्रोशियम हमारा. एंड्रोशियम तो वर्ल ऑफ स्टेमेन को बोलते हैं. ठीक है, उसमें चार पांच जितने भी स्टेमेन है सारे आते हैं. दिस पार्ट इज द एंथर. एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स है उसको बोलते हैं माइक्रो. वाई माइक्रोस्पोरेंजियम. वाई माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजिया? बिकॉज माइक्रोस्पोरेंजियम मीन्स माइक्रोस्पोर प्रोड्यूसिंग सेल्स. माइक्रोस्पोर्स क्या होते हैं? मेल गेमीट्स होते हैं. मेल गेमीट्स आर फॉर्म्ड इन द पोलन ग्रेन्स. दैट्स व्हाई द एंड्रोशियम इज नोन एज द माइक्रोस्पोरेंजियम. नाउ पार्ट्स ऑफ द स्टेमेन. फिलामेंट एंड द एंथर. फिलामेंट क्यों जरूरी है? फिलामेंट इसलिए जरूरी है ताकि जो एंथर है वो फ्लोट कर सके एयर में. अगर वो एयर में फ्लोट करता रहेगा तभी कोई इंसेक्ट या बर्ड या कोई ह्यूमन बीइंग पॉलन ग्रेन्स को अपने ऊपर चिपका लेगा एंड देन पॉलिनेशन में फर्दर हेल्प करेगा. एंथर जो पार्ट है वो ऊपर इसलिए होता है, इट नीड्स टू फ्लोट. एंड फ्लोट कौन करवाते हैं उसको? फिलामेंट्स फ्लोट करवाते हैं. यस, ये था नाम उसका, पॉलन सैक्स. पॉलन सैक्स बोलते हैं जिसमें पॉलन ग्रेन्स पैदा होते हैं. दीज आर नोन एज द पॉलन सैक्स. और पॉलन सैक्स के अंदर पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. पॉलन ग्रेन्स का दूसरा नाम क्या है? माइक्रो स्पोर. माइक्रोस्पोरेंजियम. ओके, लाइन ऑफ डेहिसेंस. जैसे कि आप देखते हो कि ये क्या है? एक स्टेमन है. स्टेमन में जब वो टूटता है, जब वो मैच्योर हो जाता है तो लाइन ऑफ डेहिसेंस से वो सेपरेट हो जाता है एंड सारे पॉलन ग्रेन्स क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं. Filament is long and slender stalk. Its proximal end. Proximal end मतलब ऊपर वाला end, नीचे वाला end is attached to the thalamus or the petal of the flower. And the distal end is attached to the anther. Now see. Terminal and typically bilobe. Each lobe has two theca dioecious or diatheca. Sorry. कम से कम bilobe मतलब दो lobes तो anther के होते ही होते हैं. Tetralobe भी हो सकता है, चार lobes भी हो सकते हैं. तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अगर दो lobes हैं, दो lobes के अंदर दो theca present होते हैं. See. These are the two lobes. And two lobes ke andar do theca present hai basically. The first theca and the second theca. Thus, it is known as a diathecus. Theek hai? Each lobe has two theca, diathecus and in total tetrathecus. Kyunki do lobes hai, ek lobe mein diathecus hai, to in total the anther is tetrathecus. Often a longitudinal groove runs lengthwise separating the theca. ये longitudinal groove है जो इसको line of dehiscence बोलती है. मैच्योर होने के बाद ये फट जाता है.
Now, to the transfer section of anther. अगर anther को हम transversely ऐसे काट के देखते हैं तो anther के हमारे पास four thecus आ जाते हैं, four microsporangia. The anther is tetragonal in structure consisting of the four microsporangia. Pollen sacs को microsporangia भी बोला जाता है. Located at the two corners, two in each lobe. Microsporangia develop two pollen sacs. They extend longitudinally all through the length of an anther and are packed with pollen grains. The microsporangia develop two pollen sacs. They extend longitudinally all through the length of the anther and are packed with pollen grains. A typical microsporangium is near circular in outline, not totally circular but near circular. ठीक है, इसकी four wall layers होती हैं. The first one is the epidermis, next one is the endothecium, third one is the middle layers, and fourth one is the tapetum. Epidermis, endothecium, middle layers, then tapetum. Tapetum के अंदर you can see माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट है जो फर्दर क्या बनाती है, पॉलन सैक्स बनाती है. ठीक है, कनेक्टिव क्या होता है, कनेक्टिव ये होता है जो टू लोब्स को कनेक्ट करता है आपस में. द आउटर थ्री लेयर्स गिव प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलन. ये जो थ्री लेयर्स है, मिडल लेयर्स तक की जो लेयर्स है, ये क्या करती है, बेसिकली ये पॉलन को डिहिसेंस करने में ही हेल्प करती हैं बाद में जब पॉलन ग्रेन्स पूरी अच्छे से मैच्योर हो जाते हैं तब. नाउ हम फर्स्ट थ्री लेयर्स का क्या काम था, डिहिसेंस करना. टेपिटम का क्या काम है, नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स. Cells of the tapetum contain dense cytoplasm and generally have more than one nucleus so that ज़्यादा से ज़्यादा ये nutrition provide कर सके. Dense होने का मतलब and more than one nucleus होने का मतलब ये क्या है, polyploid है. Polyploid जिसके पास एक से ज़्यादा nucleus है, they are polynucleoid and उनका जो DNA होता है वो भी polyploid होता है. मतलब कि more than 2n haploid diploid से भी ऊपर triploid हो गया, tetraploid हो गया. ये इसीलिए होता है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके टू द ग्रोइंग पॉलन ग्रेन्स. इन यंग एंथर ईच माइक्रोस्पोरेंजियम हैज स्पोरोजीनस टिश्यू एट द सेंटर. इट कंसिस्ट ऑफ कंपैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस डिप्लॉइड सेल्स, द स्पोरोजीनस सेल्स. यंग एंथर के अंदर हर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर स्पोरोजीनस टिश्यू होता है सेंटर के अंदर. ठीक है, दीज आर द स्पोरोजीनस टिश्यू एंड स्पोरोजीनस टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं दीज आर द स्पोरोजीनस सेल्स एंड ये स्पोरोजीनस सेल्स की प्लॉइडी क्या होती है, दीज आर डिप्लॉइड. ओके, नाउ टू द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. As anther develop, each sporogenous cells undergo meiotic division to form microspore tetrads arranged in cluster of four cells. देखो, sporogenous cells कौन से थे? Microsporangium के अंदर स्पोरोजीनस टिश्यू थे और उसके अंदर जो सेल्स थे डिप्लॉइड सेल्स थे, दे वर द स्पोरोजीनस सेल्स. नाउ दीस स्पोरोजीनस सेल्स विल फर्दर डिवेलप इनटू द पॉलन ग्रेन्स. यहां पे लिखती हूं मैं, स्पोरोजीनस सेल्स will undergo
meiosis. Sporogenous cells will undergo meiosis. And ये sporogenous cells meiosis करने के बाद क्या form कर देंगे? They will form the micro spore tetrad. हमें पता है meiosis में एक cell है वो चार cell produce करता है tetrad. तो माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है? माइक्रोस्पोर टेट्राड. एक स्पोरोजिनस सेल है, उसने मियोसिस की, मियोसिस करने के बाद उसने टेट्राड बना दिया. ये तीन सेल तो हमें ऐसे दिख रहे हैं, एक सेल क्या है, इसके पीछे है. अगर 3D में देखेंगे तो ये पीछे होगा एंड फाइनली हमारे पास चार पॉलन ग्रेन्स बन जाते हैं एक स्पोरोजिनस टिश्यू से, एक स्पोरोजिनस सेल से. क्योंकि वो स्पोरोजिनस सेल्स क्या करते हैं, वो मियोसिस करते हैं और एक मियोसिस के बाद चार सेल्स प्रोड्यूस होते हैं. नाउ प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स. एज एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट द माइक्रोस्पोर्स डिसोशिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू द पॉलन ग्रेन्स. अब हमारे पास पॉलन ग्रेन्स बन गए हैं एंड एक माइक्रोस्पोरेंजियम में, मतलब एक पॉलन सैक में, ठीक है, ये वाले पॉलन सैक की बात कर रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो बहुत ही स्मॉल होते हैं एंड जब वो डिहिसेंस मतलब सूख के फट जाता है एंथर तो तब रिलीज होते हैं. नाउ व्हाट इज अ मेल गैमेटोफाइट बेसिकली? पॉलन ग्रेन. पॉलन ग्रेन का नाम होता है मेल गैमेटोफाइट क्योंकि उसने मेल गैमेट्स फॉर्म करने होते हैं. आगे जाओ. पॉलन ग्रेन इज जनरली स्फेरिकल. इट इज 25 टू 50 मिलीमीटर इन डायमीटर. इतना छोटा होता है ये. साइटोप्लाज्म के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है एंड पॉलन ग्रेन की दो लेयर्स होती हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज द एग्जाइन एंड नेक्स्ट वन इज द इंटाइन. अंडरस्टूड? एंड्रोशियम के अंदर हमने एंथर को पढ़ लिया, एंथर तक हमने पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन को पढ़ लिया है पूरे अच्छे से. अब हम करने जा रहे हैं पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, ठीक है? पॉलन ग्रेन जो होते हैं दे आर बेसिकली एंड जनरली स्फेरिकल. दे आर हैविंग 25 टू 50 मिलीमीटर इन डायमीटर. साइटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड अ पॉलन ग्रेन हैज टू लेयर वॉल. इसकी दो लेयर वॉल होती है एग्जाइम एंड इंटाइम. यहाँ पे जर्म पोर प्रेजेंट होता है जिसके बाहर से पॉलन ट्यूब निकलती है. वो पॉलन ट्यूब क्या काम करती है? वो पॉलन ट्यूब मेल गैमेट्स को ट्रांसफर करने का काम करती है. दिस वन इज द वेजिटेटिव सेल, दिस वन इज द थिकनिंग ऑफ सेलुलोज. जो एग्जाइन लेयर है दैट इज वेरी वेरी हार्ड लेयर, इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता. क्यों इतनी हार्ड होती है पॉलन ग्रेन की लेयर? क्योंकि पॉलन ग्रेन ने बेसिकली सर्वाइव करना होता है. जब वो पॉलिनेट करता है तो पॉलिनेट करने के टाइम पे हो सकता है कि पॉलन ग्रेन ही डिस्ट्रॉय हो जाए, इसलिए उसको पहले ही शॉर्ट शॉर्ट करके रखा होता है कि उसकी जो लेयर होती है दैट इज वेरी मच हार्ड, बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है. नाउ एग्जाइन. एग्जाइन की बात करते हैं इन डिटेल. The hard outer layer made up of sporopollenin. Exine is made up of sporopollenin. बहुत ही ज़्यादा important question है MCQ point of view से. MCQs में ये question आता ही आता होता है. What is sporopollenin? It is highly resistant organic material. It can withstand high temperature, strong acids and strong alkali. Enzymes इसको exine को खराब नहीं कर सकते, sporopollenin को खराब नहीं कर सकते, ठीक है? Exine is the highly resistant organic
मटेरियल, क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड से, एल्कली से, हाई टेम्परेचर से एंड एंजाइम से खराब नहीं होता है. एक्साइन हैज अपर्चर कॉल्ड द जर्म पोर्स वेयर स्पोरोपोलिनिन इज एब्सेंट. ये है जर्म पोर, इस पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट है क्योंकि यहां से निकलेगी बाहर हमारी पोलन ट्यूब. पोलन ट्यूब में से मेल गैमीट्स निकलेंगे, ये हम नेक्स्ट आगे करने वाले हैं. मेल गैमीट्स जब निकलेंगे तो वो क्या कर देंगे, फर्टिलाइजेशन. अब पोलन ग्रेन्स को प्रिजर्व किया जा सकता है फॉसिल्स में क्योंकि ये खराब ही नहीं होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन. ठीक है, क्योंकि ये खराब नहीं होते हैं तो ये फॉसिलाइज हो जाते हैं, जैसे कि बोन्स है. बोन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट एज फॉसिल्स, है ना, वो भी फॉसिलाइज हो जाती है बिकॉज वो खराब नहीं होती है. वैसे ही पोलन ग्रेन्स भी फॉसिलाइज हो जाते हैं. एक्साइन के बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल पैटर्न्स एंड डिजाइन्स होते हैं. क्यों होते हैं? ताकि उनकी यूनिकनेस, स्पोरोपोलिनिन बेसिकली अपनी हार्डनेस दिखा सके और उनकी हर एक पोलन ग्रेन की एक पहचान बन सके. ओके, एक्साइन के बारे में पढ़ लिया. एक्साइन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज मेड ऑफ स्पोरोपोलिनिन और उसको डिग्रेड नहीं किया जा सकता. कोई भी पीएच, कोई भी टेम्परेचर, कोई भी एंजाइम, कोई भी एसिड, कोई भी एल्कलाई उसको खराब नहीं कर सकता. ठीक है, नाउ इंटाइन. इंटाइन इनर वॉल होती है. इनर वॉल होने की वजह से ये थिन एंड कॉन्टिन्यूस होती है. ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज एंड पेक्टिन की. एक्साइन किसकी बनी थी? स्पोरोपोलिनिन की. स्पोरोपोलिनिन इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस एंड एक्साइन, सी दिस, ये एक्साइन की लेयर है जो इतना अच्छा यूनिक डिजाइन एग्जिबिट करी है. ये टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स है जो बहुत ही ज्यादा यूनिक डिजाइन एग्जिबिट करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन. स्पोरोपोलिनिन डिजाइन्स में प्रेजेंट होती है और स्पोरोपोलिनिन में ये जर्म पोर होता है जो इट इज प्रेजेंट जहां पे सॉरी एक्साइन में जर्म पोर होता है जहां पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है. और वो क्यों होता है? ताकि जो मेल पोलन ट्यूब है वो यहां से निकल सके. ओके, नाउ मेल गैमेटोफाइट. मेल गैमेटोफाइट किसको कहते हैं? पोलन ग्रेन को. मैच्योर पोलन ग्रेन जब पॉलिनेट हो जाता है, जब स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाता है, तब उसको बोलते हैं मैच्योर पोलन ग्रेन. उसमें दो सेल्स होते हैं? नहीं, जब मैच्योर पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर पहुंचता है तो वो मैच्योर होता है. जैसे जैसे वो नीचे ओवरी से सॉरी स्टिग्मा से ओवरी की तरफ जा रहा होता है तो उसमें चेंजेस आते हैं. वो क्या चेंजेस आते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं मैच्योर पोलन ग्रेन में जो दो सेल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं. वेजिटेटिव सेल इज बिगर, हैज अबंडेंट फूड रिजर्व एंड लार्ज इरेग्युलरली शेप न्यूक्लियस. वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है, उसमें बहुत सारा फूड रिजर्व होता है और वो लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस होता है. बेसिकली ये क्या करता है? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. जनरेटिव सेल इज द मेन सेल जिसमें स्पिंडल शेप्ड, ये देखो ये है हमारा जनरेटिव सेल. ठीक है, इतना छोटा. इट इज स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. ठीक है, ये स्मॉल होता है. वेजिटेटिव सेल बड़ा इसलिए होता है क्योंकि इसने न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है. जनरेटिव सेल होता है हमारा मेन सेल जिसने क्या करनी है, जनरेशन को आगे लेके जाना है. ठीक है, अब क्या होता है आगे जाके वो देखते हैं. ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर शेड एट द टू सेल स्टेज. टू सेल स्टेज कौन सी है? जिसमें जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल होती है. ठीक है, उसको बोलते हैं टू सेल्ड स्टेज. जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली इंटू टू मेल गैमेट्स. Thus, pollen grains are shed at three cell stage. बहुत ही रेयर प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें pollen grain three cell stage पे shed किया जाता है. उसमें basically क्या होता है? उसमें ये होता है कि जो generative cell है वो two male gametes में convert हो गया होता है already. मतलब कि generative cell further two cells में convert हो जाता है. The shed pollen grain have to land on the stigma before they lose viability. क्योंकि किसी pollen grain की fertilize करने की काबिलियत कुछ थोड़े time तक रहती है. उसको हम क्या बोलते हैं? Viability period. The viability period of pollen grains is variable. It depends on temperature and humidity.
ठीक है, स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करती है, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी पे वेरी करती है, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स पे वेरी करती है. वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स ऑफ सम सीरियल्स इज 30 मिनट्स ओनली. ठीक है, 30 मिनट्स के अंदर अंदर उनको क्या करना होता है, उनको फर्टिलाइज करना होता है, वरना क्या हो जाता है, उनका नुकसान हो जाता है, मतलब कि वो फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं फिर बाद में. नाउ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलन ग्रेन्स. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलन ग्रेन्स ये है दैट वी ऑल नो दैट दीज आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, तो उनको टैबलेट्स में, सिरप्स में एंड फूड सप्लीमेंट्स में यूज किया जाता है. अब हम पॉलन बैंक्स, बेसिकली पॉलन बैंक्स क्या होते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन मतलब -196 डिग्री सेल्सियस पे उनको स्टोर करके रख दिया जाता है, तो उनकी जो वायबिलिटी होती है वो वैसे की वैसी रहती है, वो खराब नहीं होती है. ठीक है, इस वजह से हम उसको फ्यूचर में बाद में यूज कर सकते हैं जब हमें चाहिए तो. ठीक है, उसको हम बोलते हैं पॉलन बैंक्स. पॉलन बैंक्स याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है. व्हाट आर पॉलन बैंक्स, ये क्वेश्चन आ सकता है. लिक्विड नाइट्रोजन, दिस इज इम्पोर्टेंट कि लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं, कितने टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं, -196 डिग्री सेल्सियस, ये इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट इज दैट जो पॉलन ग्रेन्स है उसको टैबलेट्स एंड सिरप्स में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें पता है पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स. उसने टेपिटम से भी न्यूट्रिएंट लिया होता है पहले, उसके बाद वेजिटेटिव सेल भी उसको पूरा न्यूट्रिएंट्स देते हैं. ठीक है, फर्दर पॉलन ग्रेन्स आर वेरी न्यूट्रिशियस, थस दे आर यूज्ड इन वेरियस फूड सप्लीमेंट्स. पॉलन बैंक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, दे आर यूज्ड इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, ये भी इंपॉर्टेंट है. एंड एट लास्ट द नेक्स्ट इज दैट पॉलन ग्रेन्स ऑफ सम प्लांट्स आर एलर्जिक फॉर सम पीपल, वो क्या कर देते हैं, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कॉज कर देते हैं. समटाइम्स दीज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आर सो मच हार्मफुल कि ये क्रॉनिक हो जाते हैं, कि उस सीजन में मतलब जिस सीजन में ये पॉलन ग्रेन्स की पॉलिनेशन शुरू हो जाती है, उस सीजन में उन पेशेंट्स को बहुत ही ज्यादा इरिटेबिलिटी होने लग जाती है. तो ये थे हमारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलन ग्रेन्स. आई होप आपको सब समझ आ गया होगा. आज हमने एंड्रोशियम मेल गैमेटोफाइट वाला सारा पार्ट कर लिया है, मेल गैमेट्स वाला सारा पार्ट कर लिया है, माइक्रोस्पोरेंजियम से लेके मेल गैमेटोफाइट से लेके मेल गैमेट्स तक का सारा हमने पढ़ लिया है. कल हम करने वाले हैं गायनोशियम.